Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Desi Food Recipes. और आज मैं बनाऊंगी मलाई फिश, जो कि मैं फ्लेम के ऊपर इसको ग्रिल करूंगी और साथ इसके मैं मटर राइस बनाऊंगी. तो सबसे पहले जो है फिश को मैरिनेट कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने जस्ट इस पे फोकस करते हैं, ये मैंने धनिया, पुदीना और लहसुन के 3 से 4 जवे, और धनिया बिल्कुल 1-2 टेबलस्पून धनिया है, 1 टेबलस्पून इसमें है फ्रेश जो है वो पुदीना है, और 3 जो है लहसुन के मैंने वो जवे ले लिए थे. तो इनको अच्छा सा पेस्ट बना लिया है. ये जाएगा, सारे इकट्ठे पहले चीज़ें डाल लें, फिर उसके बाद आप हम इसको मैरिनेट करेंगे. इसके बाद इस पे जाएगा सोया सॉस, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स. इसके बाद जाएगा इस पे चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून. फिश की क्वांटिटी पे है, आप जितनी फिश बना रहे हैं उस हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर लें. ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, धनिया, खुशक धनिया, इसको हाथ की मदद से ही थोड़ा सा क्रश करेंगे और यूं ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे. 1/2 टीस्पून ओरिगानो पाउडर, 1/2 टीस्पून, और ये मेरे पास है मिल्क पैक क्रीम, ये चली जाएगी तकरीबन 2 टेबलस्पून. के बाद चला जाएगा इस पे सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक. इसको पहले हल्के हम हाथ से इसी तरह अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड हो जाएं. इसको मैं सॉस पैन में ही बनाऊंगी. आई एम सॉरी कि मैंने ग्रिल शायद बोला हो, लेकिन मैं इसको सॉस पैन में बनाऊंगी. तो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी. अब इसके ऊपर ब्रश अप कर देंगे थोड़ा सा हम ऑयल. ये हल्का सा ये जब हम इसको लगाएंगे पैन में तब भी इसको ब्रश अप करेंगे ऑयल से. चलें जी, फिश तो अच्छा जी, अब कर लेते हैं मटर पुलाव की तैयारी. फिश तो मैरिनेट करके रख दी है, तो यहाँ पर डाल देते हैं इसमें ज़रूरत ऑयल. 2 ग्लास चावल हैं तो 2 ग्लास के हिसाब से बस. मैं साथ साथ आपको इसके सारे बता दी जाऊंगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो ऑयल में डाल देंगे हम प्याज, प्याज
प्याज को लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें फिर हम टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और बाकी जो नमक और मिर्च स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड कर दिए इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च। नमक अदरक लहसुन जरूरत मटर के दाने अब इसमें ऐड करेंगे। सिरप मिक्स पाउडर आप कैप्चर टेस्ट कर लीजिए। गरम मसाला पाउडर किचक धनिया थोड़ा सा भूनने के बाद दो गिलास चावल थे तो चार गिलास पानी डाल के इसको मैं दम पे रख दूँगी। फिश के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया पैन। पैन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। इसमें ऐड कर देंगे फिश। सब अच्छे से मिक्सचर डाल देंगे। और इसको कवर करके रख देंगे ताकि फिश अच्छे से गल जाए। अब इनको एक दफ़ा पलटा दें। बस ये इतना ही, इसको स्टीम देके कि ये कुक हो जाए फिश। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। अब करते हैं फिश को फ्राई। एक एक को उठाएंगे। इनको लाइक गोल्डन होने तक हम कुक करेंगे। ये फिश तो हो गई रेडी। मैंने फ्राई करने के बाद जो उसका
मिक्सचर बचा हुआ था थोड़ा सा जिसमें हमने इसको स्टीम दिया था, वो मिक्सचर थोड़ा सा ऊपर डाल दिए। और तो पुलाव रेडी होता है, तो मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाती हूँ। पानी में बॉयल आ गया, मटर भी गल गए, तो इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया। जैसे ही एक इंच पानी बस ऊपर रह जाएगा, चावल नज़र आने लग जाएंगे, तो हम इसको दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों डिशेज़ आपके सामने हैं, मसालेदार ये राइस भी बन गए और साथ है ये मलाई फिश। तो होपफुली आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाने से पहले मैं एक बात बता दूँ, ये मेरे पास थोड़े से कबाब पड़े हुए थे जस्ट फॉर लुकिंग गुड प्रेजेंटेशन, तो मैंने इनको फ्राई कर दिया और ये साथ है ग्रिल सॉरी फ्राई की हुई फ़िश। तो इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।